And thank you, everyone. It's lovely to hear from you. And that was absolutely fantastic. Your pronunciation was... No, I'm telling you. तो जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि गौ सेवा और अंडर प्रिविलेज जितने भी चिल्ड्रन हैं उन सबों के लिए दिस कृष्णा मिशन हैज ऑलवेज वर्क्ड, और ये फर्स्ट टाइम दे आर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट, एंड होपफुली वी आर गोना मेक अ डिफरेंस. वी आर गोना मेक अ डिफरेंस बाय इन्वॉल्विंग, बाय ऑब्वियसली डोनेटिंग, बाय मेकिंग श्योर दैट यस हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता अब भी जिंदा है. चाहे वो बर्मिंगम हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो कुवैत हो, वर्ल्ड के किसी भी कोने में भगवान कृष्ण, हालांकि भगवान हर जगह हैं, लेकिन उनकी जो बातें हैं, उन्होंने जो कहा है और जो भगवान ने जो किया है, उनके मैसेज को जन जन तक पहुंचाना, बहाना कुछ भी हो, मकसद यही है. और आप सब इसमें हमेशा से भागीदार रहे हैं. एक संस्कृत का मैं श्लोक पढ़ूंगा, अगर कुछ गलती हो तो बहुत डर डर के मैं ये श्लोक पढ़ूंगा. हालांकि कहा गया है कि ब्राह्मणश्चैव गावश्च कुलमेकं द्विधा कृतम् एवत्र मंत्रस्तश्चन्ते हि हविष्यन्नित्यत्र तिष्ठति. ब्राह्मणों के पास तो वेद मंत्र या यज्ञ कराने की बुद्धि और विधियां तो हैं, लेकिन उन यज्ञों को संपन्न कराने की जितनी भी सामग्री है वो गौ माता अपने साथ लिए फिरती हैं. और गौ माता के बारे में हम क्या बताएं? माता ही इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा से हर किसी का देखभाल किया है, चाहे वो दूध हो, चाहे वो गोबर हो, हर रूप में. और ये हमारा सौभाग्य है. एक बात मैं और भी बताना चाहूंगा कि आज हमारा सौभाग्य है कि आज हम यहां पे आए हुए हैं, हम सब इस कथा को सुन पा रहे हैं. एक बात और बता दूं कि इस धरती पर जन्म लेने से पहले हमारी कथा लिखी जा चुकी थी, भगवान ने हमारी कथा लिख दी है. ये लिखा हुआ था कि आज इसी वक्त इसी समय बर्मिंघम के दुर्गा भवन में सरस्वती जी के मुखावृंद से हम इस कथा को सुनेंगे. और ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस लायक हैं कि हम ड्राइव करके आ रहे हैं, आराम से बैठ रहे हैं, हमारे पास कोई चिंता नहीं है, स्ट्रेस नहीं है. उन बच्चों के बारे में सोचिए, उन बच्चों के माता पिता के बारे में सोचिए जो बेचारे खेतों में काम कर रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं, रोड निर्माण में लगे हुए हैं, और ये सोचते हैं कि आज घर जाएंगे तो रोटी सूखी खानी पड़ेगी या पानी में डुबो डुबो कर खानी पड़ेगी. ये भी देश है ना, ये भी हमारा देश है ना. बच्चों की क्या गलती है? अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन. क्या हम जब रास्ते पे ड्राइव करते हैं और कोई कुछ मांगने के लिए आ जाता है तो हम अपने पॉकेट में हाथ डाल के, करोड़पति हैं बहुत से लोग, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, वो अपने पॉकेट में हाथ डाल के ये चेक करते हैं कि सबसे छोटा सिक्का कहां मिलेगा, करते हैं ना. कई तो ये होते हैं कि भैया कहते हैं आगे बढ़ो. दान के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, दान के बारे में वेदों में चर्चा की गई है, दान के बारे में वेद व्यास जी कहते हैं कि अगर आपका इस धरा पे मानव रूप में जन्म हुआ है तो मानव रूपी कर्म में दान देना सबसे महत्वपूर्ण कर्म है. आपका अधिकार सिर्फ बनता है आपके जीविकोपार्जन के लिए, दो रोटी एक छत और आपके बच्चे सही सही खा लें, उसके बाद जो भी आपका बचता है वो प्रभु का है. टैक्स पे करते हैं ना सैलरी पे, सब टैक्स पे करते हैं ना, जितनी सैलरी उतना टैक्स पे करते हैं ना, फिर दान देने में कंजूसी क्यों? ये सवाल है. अगर हम दान कर सकते हैं तो क्यों ना दान किया जाए. और दिल, हृदय जो है चीखे मार मार कर कई बार सवाल पूछता है, हम में से कितने लोग एक्चुअली इस दान के प्रति जागरूक हैं, कितने लोग
देखिए ना, वीडियो शेयर होते हैं इंटरनेट पे, हम सुबह सुबह उठते हैं, फेसबुक की दुनिया में घुस जाते हैं, व्हाट्सएप पे देखते हैं, लोग शेयर पे शेयर करते हैं कि फला जगह बच्चे फुटपाथों पे सो रहे थे, गाड़ी चढ़कर निकल गई, जो जिंदगी देख भी नहीं पाया, जिंदगी अभी इस धरा पे उसका पदार्पण हुआ था, शायद वो कुछ देख पाता और शायद सुपर 30 के आनंद जी के सानिध्य में आ भी जाता तो वो IIT आज क्रैक कर जाता या फिर कुछ बन जाता, पर भविष्य खत्म कर दिया गया। हमारा छोटा सा योगदान, गाय माता के साथ क्या हो रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है, तस्करी है, कुपोषण है, गाय माता की देखभाल सही तरीके से हो रही है, इसमें हम क्या योगदान कर सकते हैं? सात समंदर पार बैठ करके हम अपने देश के प्रति अपनी दायित्व को किस तरीके से निभा सकते हैं, इस पे हमारे लिए माध्यम बन करके आए हैं नरेश भाई, तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और मैं बहुत ही धन्य हूं कि मैंने सरस्वती जी के मुखावृंद से इनकी आवाज भी बहुत सुरीली है, आप लोगों को तो मालूम ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है। और जब बातें करती हैं और जब ये बताती हैं, जो प्रभु की कथा है उसका अंदाज ही अलग है। सरस्वती जी, सबसे पहले मैंने आपकी कविता सुनी थी, चिंघाड़ती हुई कविता, रोंगटे खड़े हो गए थे उसे सुनकर। तो जब हम इतनी अपने आप को भाग्यवान महसूस कर रहे हैं और आज हम भगवान के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि भगवान से बिल्कुल जुड़ी हुई जो हैं यहां पे सरस्वती जी आई हुई हैं, तो एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां बताएं और एक बार जोर से बोलें राधे राधे, जोर से जरा, खा पी के हैं, राधे राधे, राधे राधे, पीछे से आवाज नहीं आ रही है, राधे राधे, इधर ठंडी हो गई, मैं पीछे बोलता हूं तो इधर भी कंटिन्यू करना है। तो अभी थोड़ी देर में जब आप इजाजत देंगी, जब भी आप हैं, तो फिर हम इस कथा के साथ शुरुआत करेंगे। लेकिन हां, मैं यही बताऊंगा, मैं उपदेशक नहीं हूं और मुझसे अच्छी बातें बहुत ज्यादा देर की भी नहीं जाती, लेकिन ध्यान रहे कि ऐसी जो है ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए, और भगवान के करीब पहुंचने का इससे अच्छा रास्ता तो है ही नहीं। तो हम सब